दोस्तों आज हम इस वीडियो में अनसक्सेसफुल लोगों की आदतें देखेंगे, ऐसी हैबिट्स जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती। तो सबसे पहली हैबिट कहती है कि अनसक्सेसफुल पीपल लिव्स अ डिफॉल्ट लाइफ, वेरे सक्सेसफुल पीपल डिजाइन देयर ओन लाइफ। ये पॉइंट कहता है कि अनसक्सेसफुल लोग हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने उनकी किस्मत लिखी हुई है और अगर उनकी किस्मत में सक्सेस होगी तो उन्हें खुद ही मिल जाएगी, इसलिए वो अपना 100% नहीं देते और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। एक बार मैं एक लाइब्रेरी में गया था, वहाँ पर काम कर रहे लाइब्रेरियन से मेरी बात हुई। जब हमारी काफी डिस्कशंस हुई तो उन्होंने बताया कि वो लाइब्रेरी में टेम्परेरी बेसिस पर है और उन्हें हर मंथ सिर्फ 8,000 रुपए मिल रहे हैं। वो मैरिड थे और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही कम सैलरी है, और वो पिछले 7 सालों से लाइब्रेरी में काम कर रहे थे ये सोचकर कि वो एक दिन परमानेंट हो जाएंगे और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस पर मैंने उनसे कहा कि बेशक वो जॉब ना छोड़े पर क्योंकि लाइब्रेरी में उनके पास काफी फ्री टाइम होता है तो वो कुछ नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं, और आजकल तो इंटरनेट की मदद से नए आइडियाज ट्राई करना उतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा नहीं होता, मैंने देखा है कि जब किस्मत में हो तो वो मिल ही जाता है। हमारी काफी बहस हुई और मुझे कन्विंस करने के लिए उन्होंने मुझे एक भगवान की स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार माता पार्वती को एक इंसान की गरीबी पर तरस आ गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे नहीं पता, आप इसे अमीर बना दीजिए। जिस पर भगवान शिव कहते हैं कि मैं ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर सकता क्योंकि अमीर होना इसकी किस्मत में नहीं है। जिस पर पार्वती माता उन्हें बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये बेचारा बहुत गरीब है, आप इसे अभी अमीर बनाइए। जिस पर शिव भगवान उस इंसान के रास्ते पर एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ घड़ा रख देते हैं। जैसे ही वो इंसान मटके के पास आता है पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है और वो सोचता है कि यार अंधे लोग रस्तों में कैसे चलते होंगे, उन्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी, और वो इंसान आंखें बंद करके अंधे की एक्टिंग करने लगता है और इसीलिए रस्ते में सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा उसे दिखता ही नहीं और वो वहां से चला जाता है। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी किस्मत में अमीर होना नहीं लिखा हुआ। अब ये स्टोरी सुनाकर उस लाइब्रेरियन को लगा कि मैं उनकी बातों से कन्विंस हो जाऊंगा क्योंकि उनकी स्टोरी में भगवान का नाम मेंशन था, और मोस्ट प्रोबेबली हम में से मैक्सिमम लोगों को ये किस्मत वाली थ्योरी जरूर सुनाई गई होगी। और मैं इस डिस्कशन के काउंटर में काफी लोगों के एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, केविन ओ'लेरी एक्सेट्रा, जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया और अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हुए। लेकिन इस पर मैक्सिमम लोगों का ये काउंटर लॉजिक होता है कि इनकी किस्मत में भी पक्का अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो ये जीरो से हीरो बन पाए, क्योंकि ये लॉजिक मुझे उस लाइब्रेरियन ने भी दिए थे। और इस पर मैंने उनसे एक बात कही थी जिसकी वजह से वो सोचने लग गए थे और हमारी डिस्कशन वहीं पर खत्म हो गई थी। मुझे नहीं पता कि उस बात का उनके माइंड पर कितना असर हुआ और क्या मैं उन्हें परमानेंट चेंज कर पाया या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं उनके 35 साल पुराने इस आइडिया को चैलेंज जरूर कर चुका था। और मैंने उनसे ये कहा था, चलो मान लिया कि भगवान ने हमारी लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करोगे, इतनी मेहनत कि भगवान भी आपसे खुश हो जाए, और उस वक्त अगर आप भगवान से कहोगे कि आपको सक्सेस चाहिए, तो क्या भगवान आपको ये बोलेंगे कि नहीं मैं इस चीज का केपेबल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी है और मेरे पास कोई रबड़ नहीं है उसे मिटाने के लिए, इतना इनकेपेबल तो भगवान नहीं है और ना ही इतना निर्दयी है। हो सकता है कि भगवान आपकी इमेजिनेशन में ऐसे हो, लेकिन मेरे भगवान ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एफर्ट करोगे ही नहीं तो भगवान भी आपकी कौन सी हेल्प करेंगे, इसलिए अपनी कमियों को नाकामियों को भगवान का नाम लेके भगवान पे मत थोपो। भगवान ऑलमाइटी है, उनके पास आपकी किस्मत या स्क्रिप्ट को मिटाने का रबड़ अवेलेबल है, तो उनकी कैपेबिलिटी पे शक मत करो, और वो ना ही इतने निर्दयी हैं कि आपकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी चेंज ना कर पाए। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि अनसक्सेसफुल पीपल आर स्केयर्ड टू थिंक बिग। ये पॉइंट कहता है कि ज्यादातर अनसक्सेसफुल लोग बड़ा सोचने से भी डरते हैं, उन्हें लगता है कि जो लोग बड़ा काम करते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। एक बार मैं, मेरा फ्रेंड और मेरे फ्रेंड की वाइफ प्रॉपर्टीज देखने गए थे क्योंकि उन्हें घर खरीदना था। जिस एरिया में हम गए थे वहां पर एक बहुत सुंदर विला बना हुआ था जिसे देखने के लिए हम भी वहां चले गए। जब हमने वो विला देखा तो उसका प्राइस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा जो हमें प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, और वो काफी कॉस्टली था, जिसे सुनकर मेरे फ्रेंड की वाइफ ने मेरे फ्रेंड से मजाक में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कॉस्टली प्रॉपर्टी देखने की। बाद में जब हम सारी प्रॉपर्टीज देख चुके थे तो उसने दोबारा कहा, यार वही प्रॉपर्टीज देखो जो लेनी है, टाइम क्यों वेस्ट करना। जिस पर मैंने उससे कहा, देखने में क्या प्रॉब्लम है, क्या पता फ्यूचर में हम खरीद ही लें। इस पर उसने कहा, नहीं यार मुझे पता है कि हम तो इसे पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, हम बड़ा सोचने से भी डरते हैं। हम ऐसे कई लोगों को बड़ा सोचने में ही इतना डर लग जाता है कि वो अपने ब्रेन को एक छोटा सा टास्क भी नहीं दे सकते कि इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदना है, इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढो।
अब हमें बड़ा सोचने से क्यों नहीं डरना चाहिए, इसे आज जरा कम्प्लीटली डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस बुक में काफी चीजों को यूनिवर्स से कंपेयर किया गया है और इस पॉइंट को भी हम इस तरीके से कंपेयर करके एक अच्छा पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये अर्थ है और हम यहाँ पर रहते हैं जहाँ पर हम सक्सेसफुल होने के सपने देख रहे हैं, या कोई नौकरी चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं। ये अर्थ का साइज है जब हम इसे अपने सन से कंपेयर करते हैं। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो हमें हमारा घर, हमारा देश, इवन हमारा अर्थ भी दिखाई नहीं देगा, और अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें हमारा सोलर सिस्टम भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा, मिल्की वे। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें हमारी गैलेक्सी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर बस अब डराओ मत, लेकिन ये करोड़ों गैलेक्सीज भी यूनिवर्स का छोटा, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, जो कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप देख सकता है, और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। चलिए दोबारा से जूम इन करते हैं अर्थ में जहां हम रहते हैं। अब ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़े सपने को वो ऑलमाइटी पूरा नहीं कर सकता? उसके लिए हमारा अर्थ भी बस एक ग्रेन ऑफ सैंड है। आपको इस छोटे से अर्थ का सबसे छोटा सा टुकड़ा चाहिए अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए, या फिर वो रेड फरारी चाहिए जो कि अर्थ में ही पड़े मेटल से हमने बनाई। ये सब उस मैग्निफिसेंट यूनिवर्स की क्रिएशन के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए लिमिट्स सिर्फ हमारे ब्रेन में है, ना कि उस ऑलमाइटी की कैपेबिलिटी में। इसलिए बड़ा सोचने से घबराओ मत। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो कहता है कि अनसक्सेसफुल पीपल थिंक दैट दे आर अवॉइडिंग रिस्क, यानी अनसक्सेसफुल पीपल सोचते हैं कि वो रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क ना लेके उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। जब 1990s में इंटरनेट ग्रो हो रहा था तो टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क PhD कर रहे थे, और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस एक हेज फंड कंपनी में जॉब कर रहे थे। जब इन दोनों ने देखा कि इंटरनेट के यूजर्स हर साल 2300% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने अपनी PhD छोड़ दी और जेफ बेजोस ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि इन दोनों को अपनी कैपेबिलिटीज में यकीन था। इन्हें पता था कि अगर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जेफ बेजोस से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, क्या उन्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा 90-year प्रिंसिपल का यूज करता हूँ, यानी वो इमेजिन करते हैं कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे तब उन्हें क्या लगेगा, और फिर वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस 90 साल के जेफ बेजोस से पूछा कि क्या उसे कोई गिल्ट महसूस होगा कि उसने जवानी में एक अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब छोड़ दी, और इस पर उस 90 साल के जेफ बेजोस ने उनसे कहा कि उन्हें ज्यादा दुख होगा अगर उन्होंने वो इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि वो एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीना चाहते। अब हम में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हम तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। चलिए मान लेते हैं कि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस का रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन हम कैलकुलेटेड रिस्क तो ले सकते हैं। हम जो भी एक्स्ट्रा चीज अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने फ्री टाइम में हर रोज 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, उस स्किल के लिए एक्सपर्ट्स की बुक रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो उस चीज के लिए टाइम स्पेंड करना एक मुश्किल बात नहीं होगी, और क्या पता हमें अपने पैशन में इतने पैसे कमाने का मौका मिल जाए जिसकी वजह से हम अपने पैशन को प्रोफेशन बना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अनसक्सेसफुल लोगों की 3 आदतें देखी, जिसमें हैबिट नंबर 1 थी, अनसक्सेसफुल पीपल लिव्स डिफॉल्ट लाइफ वेयर एज सक्सेसफुल पीपल डिजाइन देयर ओन लाइफ, यानी अनसक्सेसफुल लोग सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, खुद की कमियां भगवान पे दे देते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि उन्हें डर लगता है कि अगर वो एक और बार फेल हो गए तो क्या होगा, जबकि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी मेहनत पर बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान उनका साथ जरूर देंगे अगर उन्होंने दिल लगाकर मेहनत करी। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि अनसक्सेसफुल पीपल आर स्केयर्ड टू थिंक बिग। कई लोगों की बचपन से ही इतने बुरे तरीके से कंडीशनिंग की गई होती है कि वो कुछ बड़ा सोचने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ होना ही नहीं है तो वो बड़ा क्यों सोचे, फालतू में उन्हें दुख होगा। इसलिए वो अपने माइंड को कभी कमांड ही नहीं देते बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अब क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारे कंप्यूटर को अगर हम कोई कमांड ही नहीं देंगे तो वो हमें टारगेट अचीव करने का मेथड क्यों बताएगा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में नेक्स्ट डिफरेंस जो हमने देखा था वो था कि अनसक्सेसफुल पीपल थिंक दैट दे आर अवॉइडिंग रिस्क, यानी अनसक्सेसफुल लोग सोचते हैं कि रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो और एक बिल्कुल सिक्योर सेफ लाइफ जियो,
बट अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब हम आपको इरेशनल रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं, जैसे कि अपने फ्री टाइम में हर रोज अपने पैशन के लिए काम करें, उसके बारे में पढ़ें और कोर्सेज करें। बाय द वे, अगर आप आइडिया से भरी बुक समरीज हिंदी में पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स की नॉलेज से भरी समरीज मिलेंगी। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जैसे कि आपको पता है कि गीगल ऐप हमने बिल्कुल फ्री रखी है पिछले 2 सालों से। कुछ महीनों से हमने ऐप में ऐड देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उससे $50-60 पर मंथ ही अर्न हो रहे थे, जिससे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की 1/10 कॉस्ट भी कवर नहीं होती, बल्कि उल्टा यूजर एक्सपीरियंस में कमी आती है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से सर्वर की कॉस्ट 1-2 लाख रुपए पर मंथ हो गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं, हमें इसे फ्री रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐप बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और हम सब भी पिछले 3 सालों से इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लें, यानी जितना हम हर मंथ स्पेंड कर रहे हैं उतना अर्न कर लें, ताकि इस ऐप को हम कंटिन्यू रख सकें। पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम बुक्स को पेड कर दें, इसलिए आप अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको फायदा हो। 1-2 आइडियाज हमारे पास थे, उनमें से एक आइडिया ये था कि हम हर महीने ज्यादा बुक्स को अपलोड करें और वो एक्स्ट्रा बुक्स प्रीमियम मेंबर को ही मिले। बाकी जो भी बुक्स हमें फ्री में मिलती रहती है वो हम सबको मिलती रहेगी। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बुक्स की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बुक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करेंगे। तो आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उम्मीद है कि हम मिलके कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर निकाल लेंगे। जय हिंद। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।